हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अभय कुमार भारती फ्रॉम नॉलेज कॉलेज। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ निकॉन D5600 का फीचर्स, स्पेसिफिकेशन और उसके यूजेस के बारे में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं निकॉन D5600 का स्पेसिफिकेशन। यह 24.2 मेगापिक्सल का है, 39 ऑटो फोकस पॉइंट है, 5 फ्रेम पर सेकेंड है। इसका फुल HD रिकॉर्डिंग करता है 60p में, 50p में, 30p में, 25p में और 24p में। इसमें लो पास फिल्टर नहीं दिया हुआ है और इसका ISO है 100 to 25600 और इसको एक्सटेंड भी आप कर सकते हैं। और इसका 3.2 इंचेस फुली आर्टिकुलेटेड स्क्रीन दिया हुआ है। ऑप्टिकल पेंटा मिरर व्यू फाइंडर है इसका, जो व्यू फाइंडर है आपका ऑप्टिकल पेंटा मिरर का। ये बिल्ट इन टाइमलेस मूवी रिकॉर्डिंग करता है। चलिए दोस्तों, इसका बटन्स के बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। जैसे ये ऑन ऑफ का बटन है, इसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर ये मूवी रिकॉर्डिंग का बटन है, इसमें आप मूवी स्टार्ट कर सकते हैं, इसी से स्टॉप कर सकते हैं। ये एक्सपोजर कंपनसेशन का बटन है, आप इसमें एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, इससे एक्सपोजर कमा सकते हैं। इसका काम भी हम आपको दिखाएंगे। ये डायलर बटन है। ये डायलर बटन से क्या होता है, देखिए, अगर हम मैनुअल मोड में आते हैं तो देखिए, हम इस प्रेस करें तो ये डायलर बटन चेंज हो रहा है। डायलर बटन से ये चेंज हो रहा है और उसी से एक्सपोजर बटन को प्रेस करेंगे तो ये अपर्चर भी चेंज हो रहा है। तो ये दोनों का काम आप समझ गए। ये लाइव व्यू बटन है, लाइव व्यू बटन ये लिखा हुआ भी है। इसको अगर हम ड्रैग करते हैं तो आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। तो इसको हम बंद कर देते हैं। फिर ये डेडिकेटेड की दिया हुआ है, ऑटो एक्सपोजर लॉक, ऑटो फोकस लॉक, आप किन्हीं एक को आप एजाइन कर सकते हैं। फिर ये इन्फो का बटन जो लिखा हुआ है, इसे क्या हुआ, आप इन्फो से बंद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कहीं जा रहे हैं कि आप चाह रहे नहीं कि मेरा चार्ज कम हो, अब मैं LCD में नहीं देखूं, तो आप इसको बंद कर सकते हैं। तो मैं अभी खोल देता हूं। फिर ये प्लेबैक का बटन है और ये आई जो लिखा हुआ है, इसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए, आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्शन का बटन है। फिर आपका ये ओके, ये डिलीट का बटन दिया हुआ है, ये मैग्नीफाई बटन है, प्लस माइनस देख सकते हैं, जूम इन आउट का, प्लस ये जो है ओके बटन है, ये सिलेक्शन का बटन, आप अप डाउन अपने इमेजेस को अप कर सकते, देखिए अप डाउन कर सकते हैं, प्लस फॉर एग्जांपल इसको अप डाउन कर सकते हैं। तो ये बटन इसका काम किया हुआ है। फिर आते हैं, देखिएगा, ये फ्लैश का बटन दिया हुआ है, डेडिकेटेड फ्लैश का बटन दिया। अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो फ्लैश का काम होगा, फ्लैश आप मैनुअली काम कर सकते हैं। ये FN का बटन ये होता है, ये फंक्शन बटन बोलते हैं, इसको हमको एजाइन करना पड़ेगा। तो हम इसमें हमारा एजाइन किया हुआ है ISO, देखिएगा ISO एजाइन किया हुआ। अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो ये ISO एजाइन किया हुआ है। तो ये कस्टमाइज बटन दिया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से इसको एजाइन कर सकते हैं। फिर आप हम आपको लेंस के बारे में कुछ दिखा देते हैं। जैसे ये लेंस, अगर आप जैसे आप ऑन करना है तो इसको प्रेस कीजिएगा, प्रेस करके ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि ये AFP लेंस है, इसको ऑन करना पड़ेगा, तब आप इसको रोटेट कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका हाई स्पीड कंटिन्यू शॉट, सेल्फ टाइमर, सिंगल शॉट का इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। प्लस मैं इसके कनेक्टिविटी के बारे में भी बता देता हूँ। ये देखिए, ये कनेक्टिविटी, जैसे माइक कनेक्टिविटी है, आपका USB कनेक्टिविटी है और HD रिमोट कनेक्टिविटी है, ये तीन कनेक्टिविटी दिया हुआ। ये मेनू का है ऑप्शन, मेनू का डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है, प्लस HDMI का ऑप्शन है, और ये है आपका मेमोरी कार्ड का, और ये आपका बैटरी का कंपार्टमेंट। तो ये टोटली आपका कनेक्टिविटी प्लस इसके बटन्स दिया हुआ है, जो आप देख सकते हैं। तो ये देखिए,
ये है डायलर, मोड डायलर बटन। इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे अपर्चर हुआ, शटर स्पीड हुआ, मैनुअल हुआ, ऑटो हुआ, सीन्स इफेक्ट सब चूज कर सकते हैं। और एक ये है डायट्रिक बटन, इससे क्या है अपने आँख का जो एडजस्टमेंट है वो आप ठीक कर सकते हैं इसमें। तो ये पूरा बटन्स का काम है। चलिए दोस्तों इसके यूजेस और फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये ऑटो मोड है, ये ऑटो मोड है। इस मोड में कुछ करने का जरूरत नहीं है, कैमरा ऑटोमेटिक काम करेगा। अगर कैमरा को रिक्वायरमेंट है फ्लैश का, ऑटोमेटिक फ्लैश करेगा। तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेता है कैमरा। तो ये लिमिटेड मोड दिया हुआ है ऑटो का, तो इसमें आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। फिर आते हैं देखिएगा फ्लैश ऑफ, फ्लैश ऑफ ये मोड है। इस मोड में क्या है, आप क्लिक कर सकते हैं बट कैमरा क्या करेगा, फ्लैश नहीं काम करेगा, फ्लैश नहीं काम करेगा। इसमें ऑटो ही काम करता है बट इसमें फ्लैश का कोई काम नहीं आएगा। फिर आते हैं इफेक्ट्स, इफेक्ट्स में बहुत सारा ऑप्शन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अब ये डायलर बटन प्रेस किए, जैसे नाइट विजन, सुपर विविड, पॉप, फोटो इलस्ट्रेशन, टॉय कैमरा इफेक्ट, मिनीचर इफेक्ट, सिलेक्टिव कलर, आप ये कलर इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा फीचर्स दिया हुआ है ये, सिलहुड, हाई की, लो की। तो ये हम आपको एक एक करके दिखा भी देते हैं लेकिन बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। प्लस आप एक बार अपने एग्जांपल के थ्रू आप कीजिएगा, इस मतलब बहुत अच्छा एग्जांपल इसमें दिया हुआ है ऑप्शन। तो फिर आते हैं अब ये हम प्रोग्राम मोड, सिंस मोड में, सिंस मोड में भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये डायलर बटन को आप रोटेट कीजिए तो इसमें देखिए ऑप्शन रहेगा पोर्ट्रेट, लेंस केयर, पोर्ट्रेट मतलब पर्सनल, लेंस के मतलब आप कोई सीनरी आप ले सकते हैं, चाइल्ड जो कोई भी मूविंग सब्जेक्ट, चाइल्ड तो एक जगह रुकेगा नहीं तो उस जगह आप ले सकते हैं, स्पोर्ट्स, क्लोजअप, नाइट पोर्ट्रेट, नाइट लैंडस्केप, पार्टी इंडोर, बिश स्नो, सनसेट, डस्क डॉन, पेट पोर्ट्रेट, कैंडल लाइट, ब्लॉसम, ऑटम कलर्स, फूड। तो आप ये पिक्चर देख के भी आप समझ गए होंगे कि इस तरह को फोटोग्राफी करना है। ये प्रीसेट मोड दिया हुआ है, तो ये टाइप ऑफ ऑटो ही मोड है जो प्रीसेट करके दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन इसमें। अब आते हैं मैनुअल में, मैनुअल में आप क्या क्या कर सकते हो वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये प्रोग्राम मोड है, प्रोग्राम मोड में आप इसमें आप सिर्फ ISO चेंज कर पाएंगे, बाकी सब तो फंक्शन है चेंज कर पाएंगे, शटर स्पीड अपर्चर आप चेंज नहीं कर पाएंगे, वो कैमरा ऑटोमेटिक अपने लाइट कंडीशन के ऊपर ही चेंज करेगा। जैसे अगर हमको ISO चेंज करना पड़ा तो हम ISO ये प्रेस करेंगे, देखिए ये प्रेस करके हम ISO चेंज कर सकते हैं बट शटर स्पीड ऑटोमेटिक खुद चेंज ले रहा है। फिर अगर हमको इस जगह आना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे नॉर्मल आप इससे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इमेज क्वालिटी आपको जो रखना है आप रख सकते हैं। फिर इमेज साइज है, आप इमेज साइज क्या रखना चाह रहे हो वो भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ब्रैकेटिंग, ये देखिए ये सब एक्सपोजर का ये ब्रैकेटिंग है, 3:7 ये कितना, जैसे 0.03 स्टॉप है, 0.07 स्टॉप है, 1 स्टॉप है, तो ये अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। देखिए अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, तो इसको हम बैक करते हैं। एक्टिव डी लाइटिंग मैंने आप लाइट क्या थोड़ा ज्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये ऑप्शन सब दिया हुआ है। फिर वाइट बैलेंस, तो वाइट बैलेंस मैंने आप एम्बियंस का क्या कलर होना चाहिए तो आप सराउंडिंग का क्या एम्बियंस होना चाहिए तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। हम ऑटो दे दिए, ISO आप ISO भी इधर से आप चेंज कर पाएंगे। फिर पिक्चर्स कंट्रोल, क्या पिक्चर कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं आप रख सकते हैं, जैसे स्टैंडर्ड हुआ, न्यूट्रल हुआ, विविड इसमें थोड़ा ज़्यादा कलर आएगा, न्यूट्रल में कम कलर आएगा, मोनोक्रोम में थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, पोर्ट्रेट, तो ये सब ऑप्शन दिया हुआ है। फिर आते हैं फोकस मोड, फोकस मोड देखिए ऑटो फोकस एरिया, ऑटो फोकस सिंगल कंटिन्यूस और मैनुअल फोकस, ये चार ऑप्शन इसमें दिया हुआ है।
तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। जैसे ऑटो फोकस सिंगल, तो आप चाह रहे हैं कि हाँ कोई कि नहीं एक सब्जेक्ट कोई स्टिल है उधर आप क्लिक कर सकते हैं, मूवमेंट इसमें मूवमेंट वाला सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, फिर ये कंटिन्यूस वाला सब्जेक्ट हो सकता है तो आप कर सकते हैं। और आप चाह रहे हैं कि नहीं मेरे को पता नहीं कि ये मूवमेंट हो सकता है या स्टिल है लेकिन ये मूवमेंट हो सकता है, तब आप ये मोड में आप यूज कर सकते हैं। अब मैनुअल तो आप अपने हिसाब से अपने हिसाब से आप अपने को चूज करना पड़ेगा। फिर आते हैं कि आप पॉइंट सिलेक्शन कैसे, जैसे ये 39 फोकस पॉइंट का है तो ये सिंगल पॉइंट है, इसमें डायनेमिक एरिया में 9 पॉइंट्स आपका रहेगा, डायनेमिक एरिया में 21 पॉइंट्स, ये के दायरे में जो भी सब्जेक्ट रहेगा आप कोई भी मूवमेंट भी करेगा जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट रहेगा उसको फोकस कैमरा कर लेगा। थर्टी नाइन थ्री डी, जैसे आप कोई भी मूवी सब्जेक्ट हो ये 3D फोकस करता है, कोई भी हिली एरियाज में गए आप कोई भी चल रहे ऐसा रास्ता में जो उस जगह आपको 3D फोकसिंग करेगा ये कैमरा। फिर आते हैं ये ऑटो एरिया फोकस, तो इसमें जो पूरा एरिया में जो सामने का सब्जेक्ट रहेगा वही फोकस रहेगा। फिर आते हैं मीटरिंग, मीटरिंग में देखिए मैट्रिक्स मीटरिंग, सेंटर वेटेड मीटरिंग और स्पॉट मीटरिंग। मीटरिंग का मेनली काम होता है टोटल एरिया, टोटल सब्जेक्ट में जो एक्सपोजर, ये टोटली एक्सपोजर का काम रहता है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ इसमें दिया, मैट्रिक्स स्पॉट्स और सेंटर वेटेड। फिर आते हैं आपका ये आपका फ्लैश का एक्सपोजर कंपनसेशन है, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं ये एक्सपोजर का कंपनसेशन। तो आप इसमें डेडिकेटेड इसमें सब कुछ दिया हुआ है, इंटरनली आप चेंज कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन इसमें है। फिर आते हैं देखिए शटर स्पीड, शटर प्रायोरिटी मोड, इसमें क्या है इसमें आप शटर ही चेंज कर पाएंगे, ऑटोमेटिक क्या करेगा कैमरा अपर्चर चेंज कर लेगा, आईएसओ भी आप चेंज कर सकते हैं, अगर ऑटो में रखना चाहेंगे तो ऑटो ही चेंज होगा, बट शटर स्पीड में शटर ही चेंज होगा, बाकी जितने फंक्शन हम आपको अभी दिखाए हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। फिर अपर्चर, अपर्चर मोड में क्या है सिर्फ इसमें आप अपर्चर ही चेंज कर पाएंगे, देखिए दोस्तों बाकी शटर स्पीड आईएसओ अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर ये ऑटो रखे हैं तो ऑटोमेटिक कैमरा चेंज करेगा, बाकी जितने फंक्शन वो चेंज कर पाएंगे। अब आते हैं मैनुअल, मैनुअल में आप अपने हिसाब आप तीनों ही फंक्शन आप ही को ही चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या है शटर स्पीड, ये वाला बटन प्रेस करके अपर्चर, और इधर का देखिए FN बटन प्रेस करके ISO, ये तीनों का ही डेडिकेटेड अपना की दिया हुआ है क्योंकि FN बटन को वो असाइन किया हुआ है, तो आप इसमें तीनों ऑप्शन बाकी जितना फंक्शन आप चेंज कर सकते हैं। तो ये पूरा मैनुअल और मैं आपको पूरा ऑटो का पूरा काम बता दिया हूँ, और ये मिड रेंज का हम और एक बार आपको बताना चाह रहे हैं, मिड रेंज का वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है और इसमें सभी ऑप्शन दिया हुआ, प्लस ये टच स्क्रीन है, ये टच स्क्रीन आर्टिकुलेटिंग LCD दिया हुआ है, और फोकसिंग बहुत फास्ट है और लो लाइट परफॉर्मेंस भी इसकी बहुत ही अच्छा है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।